हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे हो रही है तीज की तैयारियाँ, और यहाँ मैं लगा रही हूँ मेहंदी। ईशु ने लगाई है अपने हाथों पे, मतलब मम्मी ने, पिंकू ने, गीता ने बहुत थोड़ी सी लगाई है, क्योंकि वो रक्षाबंधन पे लगाएगी, अपने घर जाएगी, इसलिए क्योंकि ये छुट्टी नहीं तब तक। और यहाँ मैंने ज़्यादा कुछ ऐसी डिजाइन नहीं लगाई है, बीच में हाथ में एक गोल और इस तरीके से बिंदी, और यहाँ बस उंगलियों पर कर लूँगी डिजाइन। मैंने बहुत, मतलब साल, कितने साल हो गए होंगे मैंने मेहंदी लगानी छोड़ दी थी, बहुत सालों के बाद में मेहंदी लगाई है। और यहाँ देखिए मम्मी के भी ऐसे ही, ईशु ने भी और गन्नू ने भी अपने हाथ पे अपना नाम लिखवाया था, सब दिखा रहे थे अपनी मेहंदी। और ये था नेक्स्ट डे का, मतलब तीज वाले दिन का है वो। एक दिन पहले हमने रात को मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मम्मी वगैरह सब लगा रही थी, तो सबने बोला कि नहीं थोड़ा सा तो लगा ले, नहीं तो मैंने मेहंदी लगानी छोड़ दी। मैं लगाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि मुझे अच्छा नहीं लगता मेहंदी लगाना ये सब। उसके बाद में अगले दिन तीज वाले दिन जैसे खाना बन रहा था, तो हमारे घर में बनी है मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी कचौरी यही सब बनती है। तो यहाँ पे मैं और गीता चूल्हे पे ही बना रहे थे, पूड़ी वगैरह सब्जी बना दी थी गैस पे, मेरी चलो चूल्हे पे ही, क्योंकि अच्छे से बन जाती हैं यहाँ पे और जल्दी भी बन जाती हैं गैस से। तो गीता बेल के रख रही थी मतलब, और मैं चूल्हे पे इन्हें उतार रही थी। देखो कितनी अच्छी सॉफ्ट फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। और इधर सारा सामान रखा हुआ चूल्हे से अकॉर्डिंग है जो, वही तो आप ये मत सोचना कि इस तरीके से, क्योंकि देखो जो जरूरत होती है चूल्हे पे वो सामान तो यहाँ पे हमें रखना ही पड़ेगा, उपले वगैरह सब। और एक मोटी लकड़ी लगा रखी, और फटाफट से बहुत जल्दी से सारी हो भी गई थी। और खाने के लिए सब लोग घर पे थे। यहाँ हमारी प्लेट लग गई, और ईशु की प्लेट है ये, वो दही खाती नहीं है इसलिए दही नहीं ली, नहीं तो दही वगैरह रायता भी बनाया था। और यहाँ मेरे पास में पिंकू बैठा हुआ है, डबिंग कर रही है जब वो। और यहाँ पे ये देखिए भाई लेकर के आया है घेवर, और तीज है या सावन का महीना, तो घेवर तो देखिए बनता ही है, तो आप सब लोग भी खा लीजिए, आ जाइए घेवर खाने के लिए खाना। उसके बाद में ये शाम का है वीडियो, मैं पिंकू को लेके झूल रही थी, क्योंकि तीज है वैसे भी तो आप लोगों को पता है झूला डला हुआ है, तो हमारा जब मन करता है तभी झूल लेते हैं, लेकिन तीज है तो आज तो वैसे भी बनता है सबको झूलने को। तो यहाँ मैं पिंकू को गोदी में बिठा के झूल रही हूँ। यहाँ पर देखिए हम सब जा रहे हैं तीज खेलने के लिए, तो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखना हमारे यहाँ पे कैसे तीज मनाई जाती है। बहुत कुछ मस्ती आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आई हूँ आज मैं। तो यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं, अभी तो थोड़े ही हैं बाकी के, धीरे धीरे सब लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही रीति रिवाज है कि शाम के टाइम पे सारी लेडीज, मतलब जो लड़कियां हैं वो, जो औरतें हैं मतलब बहुएं, सब मिल करके जाती हैं तीज खेलने के लिए। और यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे सब लोग आएंगे, तो वही सब वेट कर रहे हैं। और यहाँ मम्मी को, गन्नू इनको, मम्मी को थोड़ा घुटने में प्रॉब्लम है, तो खड़ा ज़्यादा देर नहीं हुआ जाता, तो बोल रही मैं ऐसी ही बैठ जाती हूँ। देखिए यहाँ पे सब धीरे धीरे पहुंच चुकी है, और भी मेंबर रह गए वो भी आएंगे, और हम यहाँ पे खेलेंगे तीज। हमारे यहाँ पे इसी तरीके से तीज खेला जाता है, देखना आगे वीडियो में, क्योंकि और आप लोगों के यहाँ कैसे खेलते हैं मुझे जरूर बताना। हमारे यहाँ पे ये झिलमा वगैरह जो बो करके मैं एंड में बताऊंगी क्या है उसके, वो इस तरीके से। और भी लेडीज आ रही है, बहुत सुंदर है, और मतलब बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मन लगता है। और इस तरीके से रोड पे ही यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, क्योंकि रोड पे ही गाँव से बाहर ही ये तीज खेली जाती है। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे ये झिलमा बोए जाते हैं, मतलब चार लेडीज एक तरफ को होती हैं, चार लेडीज एक तरफ को, और इधर से वो के जाते हैं उधर के, मतलब कहते हैं कुछ थोड़ा सा मैंने सुनाया था, अगर आप लोगों को कुछ समझ में, क्योंकि सब लोग थे हंसी मजाक हो रहे थे, तो इस वजह से शायद आपको समझ में कम आया है, तो थोड़ा सा मैंने और आवाज छोड़ी है। तो इस तरीके से मतलब ये था ना कि झिलमा हमारे यहाँ पे पहले क्या था कि जौ लेके लड़कियां जाती थी, जब हम बहुत छोटे थे मेरी बुआ जी वगैरह जाती थी। ये देखिए मतलब पूरी फुल मस्ती करी है सब लोगों ने मिलकर। Oh
तो जो बोए जाते थे कुछ रीति रिवाज थी कि जो बोने हैं फिर एक मेंबर आते थे उधर से उनको काटने हैं बरसाने हैं मतलब इस तरीके से बोलते हैं फिर सास ससुर को देखिए फ्रेंड देखा आपने वीडियो और यहाँ आज मेरे साथ में बैठा है पिंकू गंजू ये भी गया था हमारे साथ तीज खेलने के लिए इसको मैंने गोदी में इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है ट्राइपॉड बिल्कुल भी नहीं रोकने देता है अब उसको दिख रहा है सामने ट्राइपॉड लगा हुआ है अभी मैं इसको पहले बादम करती हूँ क्योंकि वो ट्राइपॉड बिल्कुल भी नहीं लगा रहने देता है उसको हमेशा यही रहता है कुछ खेल है खिलौना है गाजियाबाद में नहीं छूता था यहाँ के शायद वो भूल गया था। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को तीज के बारे में बता देती हूँ हमारे यहाँ पर तीज का जो क्योंकि बीच बीच में मैंने आवाज इसलिए रखी थी पहले कई बार ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने डबिंग की है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी जो वहाँ पे होता है थोड़ी सी आवाज हमें भी सुनवा दीजिए तो शायद वहाँ कुछ बहुत सारी आवाज हो रही थी समझ में नहीं आ रहा था हमारे यहाँ पे क्या रिवाज है शाम के टाइम में जो जेंट्स होते हैं जैसे भाई वगैरह मेरी इस साइड मतलब इस एज के वो सब कबड्डी वगैरह का जो मैच होता है वो सब एक खेत में अच्छे से तैयारी करते हैं वहाँ पे वो लोग खेलते हैं
और सारी लेडीज मिलके मतलब अपनी तरफ की गांव में, जैसे सब अपनी अपनी तरफ को जाते हैं खेलने के लिए, गांव बहुत बड़ा है। तो मैं जब छोटी थी, मेरी बुआ जी वगैरह जैसे शादी के बाद आती थी यहाँ पे, थी तो जौ लेकर के जाती थी, जौ बोते थे, तो बहुत शुभ मानते हैं कि मतलब आगे जो आने वाली फसल है, जो मेरी दादी बताती थी कि मतलब इनका जो महत्व तो था, मुझे बहुत ज्यादा तो अभी याद नहीं है, लेकिन जितना है आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आने वाली फसल वगैरह थी उसकी शुरुआत कर देते थे। कहते हैं ना कि लड़कियों के हाथ से या कन्या के हाथ से कुछ भी कराएं शुभ होता है, अच्छा होता है। तो वो जौ बोती थी, तो जौ में वही होता था कि एक तरफ से बो की जाती थी, हमने बो दिए, दूसरी तरफ से कि हमने काट दिए ये, फिर ससुर को जिमाना है, हस्बैंड को जिमाना है, मतलब इस तरीके से बोल बोल करके हम लोग एक दूसरे को चिढ़ा के खेलते थे। फिर उसके बाद में गाना वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है, मतलब 2-3 घंटे सब लेडीज का ही। उसमें क्या रहता था कि सारी लड़कियां हैं जैसे ससुराल से आती थी, आजकल तो इतना नहीं आती, पहले सब आती थी क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो बहुत ये क्रेज रहता था कि मायके में सावन के महीने में जाने का। तो सब मिल करके वहाँ पे एक तो मिल लेते थे एक दूसरे से कि भाई लड़कियां शादी के बाद कम ही मिल पाती हैं आपस में, तो यहाँ पे मिल भी लेती थी, हंसी मजाक मस्ती, जो औरतें नहीं जा पाती थी मायके वो भी सबके साथ मस्ती कर लेती थी कि भाई मायके की कमी नहीं खलेगी, चलो यहाँ पे मस्ती कर लेते हैं। तो वही सब अभी हमारे यहाँ पे चल ही रहा है, थोड़ा हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन थोड़ा सा चल रहा है अभी वही रिवाज है, आगे देखते हैं कोई कंटिन्यू रखता है या नहीं। सच में मन लगता है, रक्षाबंधन पे भी हमारे इसी तरीके से जाते हैं और तीज पे भी, दोनों टाइम पे ही हमारे जाते हैं। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया, मैंने कि जो हमारे यहाँ पे कल्चर है, जो हमारे यहाँ पे रिवाज है, मैं कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कैसा लगा है आप लोगों के यहाँ पे, कैसी रिवाज है मुझे बताना, मेरा कैसा वीडियो लगा है, बहुत उसे सूट किया आप लोग समझ सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा सूट और कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना, देखे लेडीज वगैरह डांस करती हैं, उनको रहता है कि अरे हमारा वीडियो मत बनाओ, रहने दो, वो सब नहीं हो पाया था। जितना हो पाया था लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अपनी मेहंदी में आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए, वो तो मैंने दिखाई नहीं, मैं भूल गई, इस तरीके की देखे कितनी डार्क मेहंदी लगी है ना, बहुत डार्क मेहंदी इस तरीके से ही मैंने लगाई थी सिंपल में। मेरे शुरू से ही बहुत ज़्यादा डार्क लगती है मेहंदी, हमेशा एकदम काले हाथ हो जाते हैं। मम्मी ने भी, सबने लगाई है, उतने डार्क नहीं हुए जितने मेरे मेहंदी लगी है। मेरे शुरू से ही हमेशा बहुत डार्क लगती है मेहंदी। तो कैसा मेरा वीडियो लगा प्लीज़ बताना, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए, आने वाला है ये वीडियो, तो प्लीज़ पसंद आए तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरा आगे आने वाला जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा, मिलती हूँ कल को आपको नए वीडियो के साथ में, और एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग लेकर के आऊँगी। बाय बाय फ्रेंड।